मकतूल नुमान के बड़े भाई का कहना था कि कत्ल हो चुका था और नुमान उनसे बिछड़ चुका था। हम तमाम तर दर्द और कराहत में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उनके साथ रिवायती हरबा अपनाते हुए ना तो लाश को मेडिकल के लिए भेजा और ना ही पोस्टमार्टम के लिए, और यहां तक के FIR काटने के लिए भी पुलिस लैतुलाल से काम लेती रही। असल में ये माजरा जब पेश मतलब आया तो सबसे पहले हमें ना मोहल्ले में कॉल आई है कि सौरभ को फायर लग गए हैं। तो सौरभ को फायर लग गया तो वो जनरल हॉस्पिटल में है, तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ जाकर सौरभ, क्योंकि मोहल्लेदार है भाई है, तो सबसे मैं उधर उनके मतलब मामा पापा के पास चला गया हूँ कि भी जाके मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। उधर जाके उसके पापा ने मुझे बताया है कि भी बेटा असल में ना दो बच्चों की ना मौके पे फायरिंग हुई है, एक बच्चे को मौके पे मतलब डेथ हो गई है, तो जाके ना पता करो कि वो कौन है। तो मैंने कहा सौरभ ठीक है, उसने बोला हाँ सौरभ मतलब हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, तो आप बेटा जाके पता करो कि उसकी लाश किसकी है। मैं फ़ौरन उसी टाइम लियाकतबा थाने में आ गया हूँ। थाने के बिल्कुल साथ फ्लाइट हैं, फ़्लाइट लिए हुए हैं, उसमें जाके पहले तो वो पुलिस ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैंने उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई है कि यार ये देखो ये आपका भाई तो नहीं है। मैंने कहा हाँ, पहले मैंने शर्ट देखी है, फिर वो मेरी शक्ल नहीं थी नज़र आ रही। जब उन्होंने मैंने बोला कि सर शक्ल नज़र नहीं आ रही, जब मैंने शर्ट देखी तो फिर मैंने कहा शायद, फिर उन्होंने मुझे शक्ल दिखाई है कि भाई देखो ये आपका भाई है। मैंने देखा हाँ वाकई मेरा भाई है। जब ये वाक़या पेश मतलब आया तो फिर मैंने जाकर उसकी बॉडी वगैरह को उठाया मतलब देखा है, तो हॉस्पिटल ले गए हैं। लेकिन सबसे पहले पुलिस वालों ने हमारे साथ देखे नाइंसाफ़ी ये की है कि देखें हमें वो कहते हैं कि सबसे पहले इस चीज़ का मेडिकल होता है, उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया, ठीक है। वो स्पेशल जाकर उन्होंने वो मुर्दखाने में जाकर उसको जमा करवा दिया, ना हमें कोई चीज़ दी या ना कोई बात, ठीक है जाके। तो फिर उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि भाई आप सुबह करवा लेना। सुबह हम इनको फ़ोन करते रहे हैं कि भाई हमें वो FIR काट दो, वो हमारे बच्चे का वो नहीं कर रहे, क्या पोस्टमार्टम नहीं कर रहे। तो हम उनके पास जाते रहे हैं, तकरीबन इन्होंने 4 बजे तक हमें ना इसी लारों में रखा है जी, लियाकतबा थाने की लाइट नहीं आ रही, हम ये नहीं है वो नहीं है। फिर वो समझ लें कि कॉल वगैरह करवाई हैं, तो फिर जाके वो उन्होंने हमें FIR कट करके दी है कि भी फिर जाके फिर उन्होंने घंटा लगा दिया। तो जाके जब पोस्टमार्टम हुआ है तो मतलब ये सारा फिर हमने जो उसकी रस्मात होती हैं वो की हैं। फिर हम कल जब सौरभ के पास गए हैं तो सौरभ से मैंने पूछा है कि बेटा क्या मतलब ये वाक़या पेश आया है। उसने मुझे बताया कि देखो भाई जब हम मेरा ना रिक्शा बेसी ख़राब था, तो ये मेरे साथ ठीक करवा रहे थे सौरभ और नुमान मेरा भाई, तो ये जब ठीक करवा रहे थे तो ये मतलब अचानक मैंने इनको बोला कि जाओ यार आप ना इलेक्ट्रिशियन का पता करके आओ, गाड़ी की ना करंट नहीं आ रहा, तो आप जाके ये इलेक्ट्रिशियन का पता करके आए हैं। तो इसने आके मुझे घर में बोला कि भाई वो दुकानें बंद हैं, संडे है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार आप चले जाओ, आपने जो करना कर लो। नुमान के दोस्त सौरभ के मुताबिक खुर्रम ने पहले नुमान को अपने पास बुलाया, उसके लिए ठंडा मंगवाया, उसके बाद चाय लेने के बहाने पिस्टल ले आया और हकीकी कज़न ने अपने कज़न नुमान का खून कर दिया। मैंने उसको तसल्ली दी है कि भाई कोई बात नहीं, आपने टेंशन किसी चीज़ के लिए लेनी, जो मेरे भाई के साथ हो गया हो चुका, लेकिन मेरा भाई अब तू है। अब मुझे ये बता कि उस टाइम पे वाक़या हुआ क्या था। उसने मुझे बताया कि यार इसने मुझे हमें की है कॉल, इसको ये मतलब बताया गया नुमान को कि चल तू मेरे पास आ, मैंने तुझसे कोई बात करनी है। नुमान को असल में पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है, नुमान कभी इसके पास ना जाता, ठीक है। नुमान इसके पास गया, पहले इसको दोनों को बिठा लिया, ठीक है, बिठा के इसको चाय वगैरह पिलाई है, चाय वगैरह पिला के नहीं पहले बोतल पिलाई है, फिर उसके बाद कहता है कि हमें ना कहता है कि चल तुसी बैठो, मैं तो डेली चाय लेके आ रहा हूँ। चाय जब लेने के लिए गया है तो कहता कान को फ़ोन लगाया और 2 मिनट के बाद फ़ौरन आ गया, और जब हमने इसको मैंने देखा तो इसके हाथ में पिस्टल था, इसने पिस्टल ऐसे किया तो इसने फ़ौरन आके ना नुमान की ये इस जगह पर रख दिया। तो मैंने आगे से बोला है कि यार है तू की कर रहा है, इंदा मजाक नहीं करीदा हुंदा, इनू साइड ते कर दे। अगो कहंदा है तू चुप करके बैठ जा नहीं तो मैं तेनू भी मार देना ही। तो नुमान ने बोला, सिर्फ नुमान भाई के मेरे ने, उसने बोला है कि यार ऐ की तू कर रहा है, फौरन उसने फायर कर दिया, मतलब कि कोई बातों बातों में उसने फायर लगा दिया।
फायर लगाया तो जाके वो सौरभ बता रहा है कि जब फायर लगा तो नुमान की वो पता नहीं किस जगह पे जाके लगा, जैसे ब्लास्ट नहीं होता इस तरह हुआ, वो मौके पे ही वो गिर गया। इसने फिर मेरी तरफ देखा है तो जाहिर सी बात है मेरा दोस्त है, मुझे तो कोई उसकी तकलीफ हुई है, देखा तो इसने मेरी तरफ जब ताना है तो सीधा किया तो मैंने आगे से चेयर कर दी है। चेयर जब की है तो वो शुक्र है कि चेयर से टकरा के जिस तरह भी वो बता रहा था, लेकिन बच्चे बताया भी नहीं था जा रहा कि वो मेरे छाती पे लगी है, तो मैंने अपनी उसी टाइम बाजू नीचे कर दिया ताकि इसको ये पता चले कि भी मैं भी डेथ हो गई है मेरी। उसी टाइम पर ये मतलब उठा जब ये बाहर भाग गया, ठीक है भागा है, तो उसके बाद ये अपने घर चला गया, ठीक है घर जाकर तो सौरभ उठा है, सौरभ उठ के फिर वो सीधा थाने में चला गया, तो थाने में फिर 1112 ने फिर वो उसको वो हॉस्पिटल ले गए हैं। खुरम ने वाकये को कोई और रंग देने की कोशिश की ताकि लड़ाई झगड़ा लग सके और उसे पुलिस में कोई ना कोई रिलीफ मिल सके और मुकदमे में वो बरी भी हो जाए। उसने कत्ल करने के फौरन बाद घर पहुंचकर अपने वालदैन यानी नुमान के मामू और मामी को बताया कि उसने नुमान का खून कर दिया है, जिस पर वालदैन ने उसकी सरजनिश की। तैश में आकर वो छत पे चढ़ा और अपनी पिंडली में फायर मारकर झगड़ा जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन सौरभ की जुबानी सारा वाकया मालूम चला। मामू जो मेरे हैं, मामी हैं, इन्होंने मुझे खुद बताया मामू ने कि इसने घर पे आके ये बताया है कि मैं नुमान नु मार आया जे, ठीक है। तो मामू ने आगे से इसको बोला है कि तू है की चवल मार के आए जी, है वो है आगे से जो इसका ताया जी है उसको भी ये वो पता नहीं गुजरा वाला सब वाली साइड पे गया हुआ है। छोटे माँ चाचू ने कॉल की है कि जो उसने बोला था वो आज उसने कर दिखाया है, तो घर आ जा तू। तो ये उसी टाइम अपनी छत पर गया, अपने आप को फायर लगाया, फायर लगा के तो फौरन उसी हॉस्पिटल में आ गया। वजह सर ये देखें कि एक सुनने में ये बात आ रही है, अब ये हमें कंफर्म नहीं है, ये तो मतलब भाई मेरा जानता है या इस पता नहीं क्या चीज़ थी या क्या इसके दिल में कोई भी गम था तो मुझे बताता, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, भाई ये मेरे साथ इस तरह रहता है तो आप इसको समझाओ, मैं उसको समझाता, अगर वो फिर भी ना समझता तो फिर मैं ये चीज़ कहता कि भाई तू तेरा वाकई ये बनता था यार, तू हमें एक मौका तो देता, अपने पप्पो को आके बताता कि पप्पो ये मेरे साथ ये इस तरह कर रहा है, आप इसको समझाओ ये गलत कर रहा है, तो हम ना उसको अपने भाई को ना डांटते तो फिर तो हम गलत थे यार, तू उनकी जान ही ले ली। मक्तूल नुमान के भाई का कहना है कि उसके भाई की और उसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और नुमान उससे कोई बात नहीं छुपाता था। उसने नुमान को ये बात भी बताई कि लड़की वाले उसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन खुरम वहां पे दिलचस्पी रखता है, जिस पर नुमान का बड़ा सादा सा जवाब था कि वो खानदान में रिश्ता करना ही नहीं चाहता। इनके आपस में पता नहीं क्या बात हुई है, असल में सबसे पहले मेरे मामू ने ना, बड़े जो मामू है, उन्होंने बोला है कि यार तेरा रिश्ता सी कर देना है, ठीक है मेरी कजन्स के साथ, लेकिन उनको पता था वारा समझ नहीं सोचबू नहीं जंगली हैगा, वे तो इन्हें असी शादी करके की डुबना है, उन्होंने कहा असी इन्हें शादी नहीं करनी। मामू ने फिर बोला है कि हाँ तेरी अगर नुमान ना शादी कर दी जाए मतलब मेरे भाई के साथ तो वो ठीक है अगर रिश्ता ले लें, वो लड़की ने बोला हाँ जी ठीक है, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि वो मेरा भाई जो था ना वो मेरे साथ हर चीज़ शेयर करता था, अगर कोई भी बाहर काम हुआ लड़के किसी के साथ दोस्ती है उसने मुझे बताना है कि भाई मैं इसके साथ फिर रहा हूँ इसके साथ नहीं है, उसने मेरे साथ कभी इस तरह की बात नहीं की कि भाई मुझे ये लड़की पसंद है मेरा रिश्ता होना चाहिए। मैंने उसके साथ बात की है यार हम तेरा रिश्ता उसके साथ कर रहे हैं तुझे पसंद है, उसने बोला भाई पहली बात है मैंने अपनों में करना ही नहीं है क्योंकि अपनों में इज्जत नहीं है, मैंने अपनों में करना ही नहीं है, उसके बाद उसके दिल में कोई बात नहीं थी, अगर होती तो वो मुझे ज़रूर बताता क्योंकि मेरा भाई है, भाई नहीं पहले मेरा दोस्त था फिर उसके बाद मैंने भाई बनाया था। कहते हैं ना कि दोस्त को भाई नहीं बनाते, भाई को दोस्त बनाते हैं ताकि हर बात उसके साथ शेयर हो, वो मेरे साथ बच्चा हर बात शेयर करता था, शेयर उसने की है लेकिन उसके माँ दिल में कोई बात नहीं। मौके पे भी सौरभ ने भी यही बात बताई है कि भाई वो इस तरह की कोई टॉक थी लेकिन उसने बोला कि यार मेरा उनके ना कोई लेन देन नहीं है, भाई तू रिश्ता लेना है तो उन्होंने घर जा उनके भरावों को पूछ जो भी तेरा काम है, लेकिन मेरा उस उनका कोई चक्कर नहीं, मेरी कज़न है, मेरी जो भी रिश्ते उनके ना मैं सिर्फ रिश्तेदारी की हद तक देखना।
अब ये तो वही बता सकता है कि इसको किस चीज़ की टेंशन या कोई भी इससे टेंशन थी, ये तो वो बता सकता है। मेरा भाई जिंदा होता तो वो मुझे बता देता कि यार हम दोनों में इस चीज़ की मतलब बहस हो रही थी। पुलिस ने सबसे पहले तो बात ये करूंगा मैं चीफ जस्टिस साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि सर हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं दो हम भाई थे तो दो भाई को देखो इस मेरे भाई को बेरहमी से इसने कत्ल कर दिया, तो पुलिस वालों का क्या आगे से रद्द अमल है? उसने FIR कट कर दिया तो उसमें हमें मुजरिम का नहीं पता कि अभी वो अरेस्ट है या नहीं है। सुनने को खबर ये भी मिल रही है कि दूसरा जो लड़का उसके साथ मतलब लेकर आया वो भी नहीं है, कोई पता नहीं है हमें वो मुजरिम उनके मतलब कस्टडी में है या नहीं है। हमें किसी चीज़ का कोई तामुन नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से फिर इल्तमास है, सबसे इल्तमास है कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देखें इस मेरे इस भाई को इसने बेरहमी से मारा है। अभी तो उसकी 17 साल एज थी, वो किसी के साथ क्या उसकी दुश्मनी हो सकती है? अगर दुश्मनी होती इसके साथ या कोई दिल में रंजिश होती तो ये उसके पास जाता? मक्तूल नोमान का भाई रिक्शा चलाकर अपना पेट पालता जबकि नोमान दर्जी का काम सीख रहा था। बेटा मैं नुमान दी उस्ताद हाँ, नुमान मेरे को काम करता सी काफ़ी देर दर्जियों का, मेरे बेटों के भी ऐसे बराबर था, मैंने कभी भी उसको बहुत प्यार किया बेटों की तरह, तो वो बच्चा बहुत अच्छा था, कभी भी कोई शिकायत नहीं, ना कोई मोहल्ले में लड़ाई ना झगड़ा ना कोई किसी किस्म का नहीं, घर में ऐसे ही रहता था जैसे अब मेरा अपना बच्चा, तो बहुत ही अच्छा था, छोटा सा था, कभी भी कोई इसकी शिकायत नहीं आई। सारा दिन मेरे पास ही रहता था, कभी भी उसने इधर उधर कभी कोई ऐसा काम नहीं, ना कोई नशा ना पानी ना शराब ना सिगरेट, बहुत अच्छा बच्चा था, तो कभी भी शिकायत नहीं कोई आई, क्योंकि वो बिल्कुल ही इम्पोल सा था, कभी भी अंज कोई उधर चलाकी या शियारी या कोई ऐसा काम या कभी भी नहीं देखा, बहुत नाइंसाफी हुई है।